नमस्कार जी, KS स्पाइसी किचन में आज हम स्पाइसी नहीं स्वीट बनाने जा रहे हैं। हम बनाएंगे मीठे जवे। 1.5 लीटर दूध फुल क्रीम एक बाउल में मैंने डाल दिया है, उसको उबाल दे दिया है। अभी एक बाउल रोस्ट किए हुए जवे हैं जिनको मैंने ओवन में 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया था। इसको चलाइए, 5-7 मिनट हमें इसको चलाना है। ये देखिए थोड़े थिक होने लगे हैं ये। अब ये सीक्रेट मेरी एक फॉर्मूला है, 1 ब्रेड पीस, 8-10 काजू, इनको मैं एक जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए इसका ऐसा पाउडर सा तैयार हो जाता है। इसको डालने से जवों में एक क्रीमी सा टेक्सचर आएगा जवों का, और इसका टेस्ट जो है रबड़ी की तरह लगेगा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए ये गल चुके हैं, सोख कर लिया है दूध को काफ़ी। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। देखिए इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल रबड़ी दानेदार सा लगता है ये, और खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी जो मैंने पाउडर बनाया था काजू और ब्रेड का, इसको डाल दीजिए। जब जवे गल जाएं, पक जाएं, तब डालिएगा। अब इलायची पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा पिस्ता को क्रश कर दिया है मैंने, थोड़े पिस्ता भी ऐड कर दिए हैं। देखिए चारों तरह रबड़ी सी छूट गई है। अब एक बाउल चीनी डाल दीजिए, 100 ग्राम के करीब चीनी है ये, और गैस ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि चीनी डालने के बाद में वो ड्राई फ्रूट भी पड़े हैं तो दूध फट भी सकता है, इसलिए चीनी डालते ही हमें गैस को ऑफ कर देना है। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बाउल में। देखने पे ही लगता है चारों तरफ मलाई जमी हुई है, अच्छा टेक्सचर आया है, टेस्ट बहुत ही यूनिक होने वाला है, आपको ट्राई ज़रूर करना होगा। ये देखिए फेस्टिवल आने वाले हैं, मीठे जवे खिलाइए सबको। यकीन मानिए आप ऐसे बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरी सीक्रेट फार्मूला है। बाउल में सर्व कर दिया है, थोड़ा इलायची पाउडर डालो, और जो ड्राई फ्रूट मैंने रोक ली थी उससे गार्निशिंग कर दीजिए। थोड़ा पिस्ता क्रश कर दीजिए, पिस्ता डालने से टेस्ट अच्छा आता है और दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ये देखिए तैयार हो गए, दानेदार बन के तैयार हुए हैं हमारे मीठे जवे। खाइए, एंजॉय कीजिए मेरी रेसिपी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने ट्राई करी है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।